जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो के जो कि रिजल्ट के बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं, तो इसकी जो कि आज पीबी के अधिकारियों ने जो लेटेस्ट जो न्यूज़ दी है उसे हम बताएंगे कि कब आएगा इसका रिजल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमारे पास जितना भी आता है मैं उसी न्यूज़ को देता हूँ, तो मेरे पास जितनी न्यूज़ रियल होती है मैं बाकी के कोई न्यूज़ शेयर नहीं करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उसे जानते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और वर्ग तीन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर महिला पर्यवेक्षक की, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन, हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पीबी के अधिकारियों ने क्या कहा। तो देखिए यहाँ से, शिक्षक पात्रता 5 लाख परीक्षार्थियों का मामला नियुक्ति के लिए इंतजार, क्योंकि पीबी ने नहीं की है मेरिट लिस्ट। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की। एजुकेशन रिपोर्टर से यहाँ से ये न्यूज़ दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, उन्हें स्कूलों में अभी नियुक्ति के लिए 1.5 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। वजह यह है कि प्रोफेशनल बोर्ड ने यहाँ से इन्होंने कहा है कि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। बोर्ड अभी प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की मंशा है कि इन शिक्षकों के नए सत्र में स्कूल के पदस्थ कर दिया जाए और गर्मी की छुट्टी के बाद इनको 15 जून से सरकारी स्कूल खुलेंगे। दोनों परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक इसमें परीक्षार्थी थे, इन्होंने इनका कहना है। तो ये सारे सीधे को मैं आप लोगों को बता दूँ, इन्होंने अभी तक इसकी जो लिस्ट नहीं बना पाए हैं, इसके कारण ये कुछ हो नहीं सकता है। इसमें इन्होंने पद दिए गए हैं जो कि आपके टोटल यहाँ से 19,220 हैं वर्ग एक में, और 2,20,000 लोगों ने डाला इसमें पेपर दिया है। इसी तरीके से 5 लाख यहाँ से माध्यमिक, सॉरी यहाँ से 5,600 यानी कि टोटल यानी कि 7,000 के ऊपर यहाँ से पद थे, सॉरी यहाँ से 5,670 पद शिक्षा विभाग में एवं 5,704 ट्राइबल डिपार्टमेंट के भरने के लिए पीबी ने 3 लाख से ज़्यादा आवेदन पहुंचे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यही लेट होने का कारण, और इसमें कहा गया कि 25% अतिथि शिक्षकों को एक लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी न्यूज थी कि अभी तक मेरिट लिस्ट न होने के कारण इतना लेट किया जा रहा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हम आपको सारे वीडियो ऐसे देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।